ओके, मांग छोटी रखोगे तो आपका लुक स्टाइलिश लगेगा। और इस तरीके से काम कर लेंगे, जितनी छोटी मांग निकालोगे उतना ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपका लुक। इस तरीके से पूरे बालों को अच्छे से काम कर लेंगे और रबर बैंड को लगाएंगे। थोड़ा सा हेयर को इस तरीके से रखेंगे, ओके। राउंड एरिया के हेयर को खींच लेंगे जिससे कि हमारा लुक जो है वो फ्लैट ना लगे। इसके बाद हम लोग लेंगे डोनट बन। डोनट बन के साथ आपको एक पतले वाले रबर बैंड की जरूरत पड़ेगी, तो इस तरीके से डोनट बन को इसके ऊपर रखेंगे। और हेयर को टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। सिंपली जैसे इस साइड का हेयर है इसको दूसरी साइड में लेके जाएंगे और इस तरीके से यू पिन से सिक्योर कर देंगे। जहाँ पे आपका इस एंड पार्ट आ रहा है वहाँ पे इसको सिक्योर कर देंगे। अब देखिए, ऐसे अगर छोटे छोटे बाल हैं तो मेरी तरह आपके भी हेयर निकल जाएंगे, तो उसके लिए आप अगेन इसको इस तरीके से करिएगा और एक दो यू पिन एक्स्ट्रा लगा दीजिएगा छोटे बालों में। बता दी, लंबे बालों में तो बहुत ईजी है, कोई भी बना लेगा, लेकिन छोटे बालों में बनाना इसको थोड़ा सा मुश्किल है। अब दूसरी साइड के हेयर को इस तरीके से लेके जाएंगे, ओके। जो निकल रहा है हेयर टेंशन मत लीजिए, उसको निकलने दीजिए, बाद में उसका क्या करना है वो बता देती हूँ मैं। अब देखिए इस साइड के हेयर, ये जो था ये यहाँ पे निकला हुआ है, तो यहाँ पे मैं एक यू पिन लूंगी और इसको सिक्योर कर दूंगी। अब इस साइड का हेयर जो है वो भी निकला हुआ है, तो इसको भी यू पिन से सिक्योर कर लेंगे। जहाँ जहाँ लगे आपको वहाँ पे आप यू पिन जरूर लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से जो आपका डोनट बन है वो अच्छे से हाइड हो चुका है यहाँ पे। डोनट बन को अच्छे से हाइड करना है बालों से। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से ये खूबसूरत सा बन बना के रेडी कर सकते हो साड़ी के लिए। छोटे पतले बाल हैं और आप कोई अच्छा सा हेयर स्टाइल ढूंढ रहे हो तो ये बना। सॉरी, कॉल आया था जिसकी वजह से वीडियो कट गया। तो ये देखिए फाइनल लुक है हेयर स्टाइल का। तो छोटे पतले हल्के बालों में आप इस तरीके से अपने बालों को बड़ा और हैवी जूड़ा बना सकते हो, बस ये एक डोनट बन की मदद से।
तो आई होप कि आपको हेयर स्टाइल अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ में आया हो कि कैसे करना है ये बन।